हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। आई एम डूइंग अ बैक वर्कआउट टुडे। बैक में भी स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूँ मैं, आई विल शो यू हाउ टू डू बार्बल रोज। बार्बल रोज इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर बैक इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम। जैसे कि कभी आप जिम गए, टाइम नहीं आपके पास, सो थ्री एक्सरसाइजेज जो विच विल कम्प्लीट योर बैक वर्कआउट: पुलअप्स, बार्बल रोइंग एंड डेडलिफ्ट। बार्बल रोइंग विल गिव यू अ थिक लैट्स। बहुत लोग देखा होगा आपने जब पोज करते हैं, स्पेशली फ्रंट डबल बाइसेप या बैक डबल बाइसेप, सॉरी, सो दे हैव लॉट ऑफ अपर बैक, दे हैव ट्रैप्स, दे हैव रोम्बॉइड्स, एवरीथिंग, द डिटेलिंग इज देयर, बट लोअर लैट्स इनकी व्हेन यू गो डाउन दिस फ्लैट, देयर इज नथिंग इन देयर। सो व्हाट यू गोना डू टू बिल्ड लोअर लैट्स एंड द थिकनेस दैट जो निकल के आता है बाहर, यू से द थिक बैक, द 3D बैक जो बहुत प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का रहता है, यू हैव टू डू बार्बल रोइंग गाइस। बिना बार्बल रोइंग के नहीं बनेगी थिक बैक। इट इज़ अ ब्रेड एंड बटर, इट इज़ अ मीट ऑफ योर बैक, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आपको एक थिक बैक करना है। सो व्हाट आई एम गोना कवर टुडे, आई एम गोना कवर हाउ टू डू बार्बल रोइंग। अंडर हैंड करना है, ओवर हैंड करना है, ग्रिप वाइड पकड़ना है, क्लोज पकड़ना है, स्टैंड कैसा रखना है, कितना बेंड होना है और कितने रेप्स करने हैं आपको। सो एवरीथिंग आई एम गोना कवर टुडे एंड बार्बल रोइंग में। सो लेट्स डू दिस, आई विल डेमोंस्ट्रेट टू यू, फिर करते करते आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कैसे करना है आपने। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो गाइज, बार्बल रोइंग टेक्निक ट्राई करेंगे। एक रॉड, बार्बल रॉड लगाई मैंने एंड आई पुट सम वेट्स। सो नाउ फर्स्ट वील सी कि हाउ टू ग्रिप द बार। सो जब आप नॉर्मल खड़े हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी स्क्वाट वाले वीडियो में, योर फ्लोर हैज़ टू बी हार्ड। फ्लोर अगर आपका हार्ड नहीं है, कुशनी फ्लोर है, आप डिसबैलेंस होंगे, स्पेशली व्हेन यू गो ट्राई टू बिल्ड डू हैवी वेट्स। सो स्टैंड नॉर्मली शोल्डर विथ ग्रिप, और बार में यूजुअली मार्किंग्स रहते हैं, सो दिस बार हैज़ अ मार्किंग। सो आई यूजुअली क्या करता हूँ कि इस मार्किंग से मैं मेजर करता हूँ मेरी ग्रिप कैसी रहेगी। आई डो नॉट गो वेरी वाइड ऑन दिस एंड आई डो नॉट गो वेरी नैरो। थोड़ा सा शोल्डर वेट उससे दो उंगली का अंदर लेता हूँ मैं, बिकॉज द नैरो यू गो द मोर रेंज ऑफ मोशन यू हैव। कुछ लोग वाइड पकड़ते हैं, वाइड से क्या है, द स्ट्रेस शिफ्ट्स मोर ऑन योर अपर बैक। जितना वाइड जाते रहेंगे आपके अपर बैक पे आएगा। इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट बिकम्स अ डिफरेंट एक्सरसाइज ऑल टुगेदर इफ़ यू गो वेरी वाइड। सो वट नॉर्मली इफ़ यू वॉन्ट टारगेट योर लोअर लैट्स, ये जो मार्किंग है यहाँ पे, इससे थोड़ी सी अंदर पकड़ूंगा मैं, और जो मेरी ग्रिप होगी, आई विल नॉट होल्ड द बार नॉर्मली, आई यूजली पुट माई थम्स आउट बिकॉज इट विल गिव मी मोर रेंज ऑफ मोशन। पूरा पीछे तक आएगा एंड माई फोर आर्म्स विल बी आउट ऑफ द मोशन। सो आपने बेंड कितना करना है, लॉट ऑफ पीपल गो डाउन पैरेलल टू द फ्लोर लाइक दिस, दिस इज नॉट अ करेक्ट पोजिशन। वाई? बिकॉज लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है आपकी व्हेन यू गो पैरेलल टू द फ्लोर। यू विल सी लॉट ऑफ गाइस टेलिंग यू कि पैरेलल जाइए बिकॉज दैट मेक्स एक्सरसाइज मोर डिफिकल्ट फॉर यू। येस इट डज, बट इट पुट्स योर लैट्स इन अ वीकर पोजिशन। सो कितना नीचे जाना है आपने, 45 डिग्री एंगल नीचे जाना है ये, एंड बैक में हमेशा आर्क रहेगा। सो वॉट आई डू इज, स्टार्ट करने से पहले ही जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, शोल्डर ब्लेड्स पीछे, और मैं अपने बैक में आर्क ले आता हूँ एंड देन आई गो डाउन लाइक दिस, इतना। सो एक गुड रेफरेंस है कि आपका जो रॉड है आपके जस्ट नीज तक जाए, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपका लोअर बैक है। जितना भी आपकी लैट्स में स्ट्रेच आना चाहिए वो यहाँ तक आ जाता है। अभी इससे ज़्यादा लैट्स में स्ट्रेच नहीं आ रहा। इफ़ आई गो डाउन इससे ज़्यादा तो सारा स्ट्रेच मेरी लोअर बैक पे आता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसी लोग कहते हैं मैं हैवी बारबेल रोइंग नहीं कर सकता, हैवी डेडलिफ्ट नहीं कर सकता। गाइस, एक्सरसाइज की अगर आप फॉर्म प्रॉपर रखेंगे तो इट इज़ नॉट गोना हर्ट यू। स्क्वाट्स आर नॉट गोना हर्ट यू, स्क्वाट्स विल नेवर हर्ट योर नीज, नेवर हर्ट योर लोअर बैक, डेडलिफ्ट्स विल नेवर हर्ट योर लोअर बैक। इफ़ यू फक अप द टेक्निक, अगर आप रॉन्ग टेक्निक यूज़ करते हैं, एक दूसरे को देख के लोग जो वो कर रहा है मैं भी वही करूँगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा करेंगे, दैट विल हर्ट यू, उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो दैट्स वाई माई होल मोटिव टू डू इज टू टीच यू द करेक्ट टेक्निक्स और आप सही से वर्कआउट कर सकें। इससे थोड़ा सा अंदर मैंने लिया, यहाँ पे ग्रिप द बार, ऊपर जाते ही बैक में आंक लिया। शोल्डर ब्लेड्स हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, शोल्डर ब्लेड्स पीछे, एंड नाउ इन दिस पोजीशन माय बैक इज लॉक्ड आउट, आई विल गो डाउन लाइक दिस, और आपने रो करना है ऊपर लाइक दिस। द रॉड शुड कम टू योर बेली बटन एंड ट्राई टू कीप योर एल्बोज इनसाइड। ऐसे बाहर ले जाएंगे एल्बोज तो अगेन अपर बैक में ज़्यादा आएगा, शिफ्ट होता रहता है स्ट्रेस नीचे से ऊपर। सो गो डाउन लाइक दिस, दिस इज योर पोजीशन, रो अप, स्क्वीज योर लैट्स डाउन, रो अप, स्क्वीज योर लैट्स। अगर आप नीचे जा रहे हैं इतना,
So yes, your lats are working, but your lower back is also working a lot. ये गए आप, इसी में elbows इतनी बाहर भी नहीं है और ज़्यादा अंदर भी नहीं है. So do not try to keep your elbows too inside. कोशिश करिए अंदर रहें, जितना अंदर जाती हैं बस वहीं पर रोक दीजिए. Do not aim की बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे, because if you have a wider back, अगर lats की width ज़्यादा है आपके, so elbows अंदर जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि space ही नहीं है. So you got down, यहाँ पे गए, row and up. This is a mass builder exercise. This is not an isolation movement. इसमें जो आप heavy set करेंगे, especially start with your warm-up set, दो तीन set आपने लगाए warm-up, when you go heavy, for mass building, I always recommend 6 to 8 reps, maximum 9 जाइए आप, उससे ज़्यादा नहीं जाइए, because और heavy set आपने कितने करने, when you reach your max, आपने warm-up किया, धीरे धीरे max पे आ गए, 2 sets of your heavy is good enough. अगर आप उन दो sets में अपने muscle को simulate नहीं कर पाए, देन ऑब्वियसली आप ज़्यादा में भी नहीं कर पाएंगे. जो काम होना है, वर्कआउट होना है, उन्हीं दो सेट्स में होगा. ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी नहीं करना है आपने डूइंग दिस बारबल सेट्स. सो एक आपको मैं सेट साइड से भी दिखा देता हूँ कि हाउ डज इट लुक. एक सेट साइड से दिखाऊंगा, सो यू कैन हैव अ आइडिया कि साइड से पोजिशन कैसे आता है. फीट फ्रॉम द ग्राउंड, टोज जैसे खड़े होते हैं, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर. ये गए नीचे, लिफ्ट बार. तो मैं क्या करता हूँ, खड़े खड़े ही अपनी पोजीशन ले लेता हूँ पीछे. सो आई पुट माय शोल्डर ब्लेड्स बैक, बैक में आर्क हमेशा रहेगा, एंड उसी आर्क के साथ आई ट्राई टू गो डाउन. बिकॉज अगर मैं ऐसे नीचे रहूँगा और देन आर्क बनाऊंगा, आर्क बनता नहीं है मेरा. तो शोल्डर बैक, आर्क इन द बैक, गो डाउन. दिस इज अ पोजिशन. ये रॉड नीच तक आएगी बस, इससे ज़्यादा नीचे जाएगी लोअर बैक बहुत इन्वॉल्व होगा, इंजरी के चांसेस हैं. लाइक दिस, रो अप, बूम. Squeeze down. So this is how exact barbell rowing should look like from the side. Now guys, I'll discuss ki agar aap wide pakadte hain to kya hoga. If you hold the bar wide, jis maine wide pakda hai abhi ye. If I go down, मेरे shoulder blade से बहुत effect आ रहा है. Basically मेरे जो rear deltoid है, traps हैं, rhomboids हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मेरे lats कम काम कर रहा है. अच्छा, एक चीज़ और, बहुत लोग सोचते हैं कि overhand grip पकड़नी है या underhand grip पकड़नी है. Overhand underhand का फंडा क्या है, people who have a weaker lower lat, like myself, मेरा lower lat बहुत weak था, so उनके लिए underhand grip is a better option. बिकॉज उनको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है और स्क्वीज़ बेटर आता है नीचे. और कैसे डिफाइन करेंगे आप किसका लोअर है, किसका अपर बैक वीक है? सिंपल ट्रिक है, आप एक नॉर्मल सीटेड रोइंग करिए, बिना कुछ सोचे समझे जैसे करते हैं आप वैसे करिए. सो इफ़ यू फील कि आपका जो पंप है अपर बैक पे ज़्यादा आ रहा है, देन इट मीन्स आपका लोअर बैक वीक है. लोअर लैट अटैचमेंट जो होता है, जहाँ से अटैच होता है, थोड़ा हायर अटैच है. सो यू हैव टू वर्क योर लोअर लैट्स मोर. अगर आपने सीटेड केबल रोइंग किया और आपका नीचे लोअर लैट में ही पंप आ रहा है, दैट मीन्स यू नीड मोर ऑफ अ ओवर हैंड ग्रिप. आपका लोअर लैट स्ट्रॉन्ग है, सो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अंडर हैंड लेना है कि ओवर हैंड लेना है. जैसे कि मेरा लोअर लैट वीक है जैसे बताया मैंने, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा अंडर हैंड ही करता हूँ. लेट्स से इफ़ आई एम डूइंग 4 वर्कआउट्स, सो इन 3 वर्कआउट्स आई विल डू अंडर हैंड, बट इन 1 वर्कआउट आई विल ऑल्सो डू ओवर हैंड. जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको अगर आप एकदम ही निगलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे आपका वो वीक हो जाए. सो अपने वीक पार्ट को करिए ओवर स्ट्रेस, बट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको भी आप निगलेक्ट मत करिए. सो दिस इज़ द कंसाइज थिंग कि आप बारबेल रोइंग कैसे कर सकते हैं. प्लीज़ ट्राई दिस टेक्निक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो. मेरा नाम है गौरव, पिट मसल टीवी देख रहे हैं आप. बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. थैंक यू सो मच. Bye.